हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं सामने, आज गार्डन फ्रॉम किचन यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है अलबेले गट्टे की रेसिपी। गट्टे राजस्थानी स्पेशल डिश है और उसमें भी ये हैं अलबेले गट्टे। देखिए सारी तैयारी है। यह है बेसन, एक एक कटोरी भर बेसन ले रखा है, बड़ा कटोरा भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट, दही। दही दो तरह से काम में आने वाला है, एक तो गट्टों में डाल के बेसन में इसका आटा मारा जाएगा, और दूसरा ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के लिए बाकी तीन चीज़ें हैं, कटा हुआ और प्याज और हरी मिर्च, बारीक कटा धनिया, थोड़े से टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और वो देखिए वो मेरे मसालों की महफिल, सुप्रसिद्ध भारतीय मसाले। यह तेल तलने के लिए, गैस पे कढ़ाई रखी हुई है ग्रेवी तैयार करने के लिए, और ये पानी गर्म होगा गट्टों को उबालने के लिए। गट्टे बेलने के लिए हमारे पास तक चकला भी है। आप सोचेंगे चकले का क्या काम, भला गट्टे बेले थोड़ी जाते हैं, पर ये कोई साधारण गट्टे थोड़ी हैं, ये तो हैं अलबेले गट्टे। तो हम देखते हैं और शुरू करते हैं इनको बनाने का काम। सबसे पहले बेसन लेंगे, ये पूरा देखिए इतना बेसन है ये, और इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची वगैरह मसाले। तो ये रहा नमक इसके लिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च आधी चमची, थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, थोड़ी हल्दी भी, और अच्छा येलो कलर आएगा इसमें। और साथ में डालेंगे हींग का पानी थोड़ा खुशबू के लिए, ये रहा हींग का पानी। और इसके अंदर मैं डालूंगी इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन अदरक और एक छोटी सी हरी मिर्ची पीस रखी है, ये पेस्ट, और आवश्यकता अनुसार दही डालकर इसको मैं अच्छी तरह से मार लूंगी। तो देखिए ये मड़के कैसे तैयार होता है। इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे, पहले एक बार मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसको गूंद के मैं तैयार करती हूँ। तो ये लीजिए, ये बेसन तैयार है गट्टों के लिए। अच्छी तरह इसको मार लिया गया है, इसमें दही, नमक, मिर्च, हींग और ये सब कुछ डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मार लिया है। अभी सब थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए मैं रख दूंगी, और इस बीच में हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। ये देखिए कढ़ाई चढ़ाई और गैस जला दी जाए, और इधर दूसरी गैस भी जलाऊंगी पानी गर्म करने के लिए। इसमें गट्टे बॉईल होंगे और इसमें ग्रेवी बनेगी। ये बस इसमें तेल डालना है हमको, ये मेरा 100 ml का नाप है, इसको मैं करीब आधा डालूंगी, यानी 50 ml तेल मुश्किल से डालेंगे बस। उसमें भी मैंने बचा लिया है ये तेल। इसके बाद इसमें सब मसाला डाल के भुना जाएगा, और दही अवश्य डालेंगे जिससे हल्की सी खटास आ जाए, दही भी और टमाटर भी। ये रही मेरी मसालों की महफिल जो इसमें डाली जाने वाली है। ठीक है, ये दही है, इस दही को मैं, दही में सब मसालों को घोल लेंगे। ये दही, इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और इसमें डाल लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, जितना आपको चाहिए हो। गट्टों में भी नमक पड़ा है, ये ध्यान रखना होगा। ये लाल मिर्च पिसी हुई काफी है, ये हल्दी आधा चम्मच, छोटे आधा चम्मच, और ये धनिया। ये अब इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, जब मस्त तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले जीरा, जीरा ये देखिए ये जीरा, एक साबुत लाल मिर्च, दो तीन लौंग और काली मिर्च, ये मैं इसमें डालूंगी। और इसके तड़कने के बाद ये मसाला डालकर, दही का मसाला जो है वो डालेंगे, और तुरंत चलाते रहेंगे, अगर नहीं चलाएंगे लगातार तो दही फटने का डर है। अब गैस धीमी, इसमें डाल दिया ये सब, देखिए आपको दिखाऊं, ये मसाला तड़कना चालू हो गया है, और हम इसमें अब डालने वाले हैं सारा मसाला। बस थोड़ा सा जीरा सिक जाए, खुशबू आने लग जाए, और इसमें ये सारा जो मसाला हमने खोल के रखा हुआ है दही के साथ में, वो देखिए, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस समय आँच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है, तो लगातार चलाएंगे, और लगातार चलाने के साथ थोड़ा सा पानी मसाले में जो रह गया है उसको डालने के लिए, ये भी सब इसके अंदर है।
अब ये मसाला भून के और थोड़ी देर में तैयार होगा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर। ये थोड़ी देर इसको सिकने देंगे, टमाटर गल जाएंगे और अच्छी तरह मसाला जाली छोड़ देगा, तेल अलग हो जाएगा, जाली बन जाएगी। तब तक देखते हैं हम और क्या किया जाए। ये देखिए मसाले में जाली तेल आना शुरू हो गया है, ऊपर तेल मसाला अच्छी तरह भुन रहा है और हमारा बेसन भी सेट हो गया है। 10 मिनट का समय मैंने दिया बीच में, ये बेसन 10 मिनट में सेट हो गया है, मसाला धीमे धीमे आंच पे भुन रहा है। इस पे मैं डाल दूंगी अभी इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा आधा हरा धनिया भी डाल देंगे, जैसे कि मसाले में अच्छी तरह भुन जाए और इसका फ्लेवर आ जाए, खुशबू आने लग जाए और ये हरा भी रहे। बाद में डालने से मतलब नहीं, शुरू में डाल देने से मसाले में अच्छी तरह भुनता है और इसका रंग भी हरा रहता है। ये देखिए, देख रहे हैं मसाले की रंगत आप। ये प्याज ही मैंने काट के रखा हुआ था, मैंने प्याज नहीं डाला है इसलिए कि अगर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो तेल में पहले प्याज डालिए, प्याज लाल कीजिए जीरे के बाद, फिर आप दही में घोल के मसाला डाल सकते हैं। आज ये बिना प्याज के गट्टे बन रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं गट्टों को बेलना और बनाना। इसके लिए थोड़ा सा तेल लगाएंगे बेलन में। हाथ से गट्टे नहीं बनाऊंगी मैं। कैसे, आप सोचे थे मैं इस तरह से गट्टे बना के इसको पानी में डालेंगे? नहीं, पानी अच्छी तरह उबलने लगा था, मैंने गैस बंद करी थी, इसको दोबारा चालू करती हूँ। ये साइड में हैंडल टकराए नहीं जिससे। देखिए मेरे गट्टे बनाने की विधि देखिए आप। मैं इसको थोड़ा सा बेलूंगी पहले और बेलने, ये देखिए इस प्रकार से गट्टे बनेंगे। इसलिए क्या करना है मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। थोड़ा तेल लगाया, ये देखिए इसको ऐसे बेला लंबा लंबा, एक तरफ से मोड़िए और मोड़ना शुरू करके इसको यहाँ से काटिए। पानी हमारा बॉयल हो रहा है उसमें इसको डालना शुरू करेंगे। ये इस तरह से गट्टे बनेंगे, अंदर से खोखले रहने वाले हैं अंदर तक, ये तेल और मसाला पी लेंगे। ये देखिए बस इस प्रकार हल्के हल्के बना के इनको ऐसे रखा जाएगा और पानी मेरा खूब अच्छी तरह उबल रहा है उसमें इनको बारी बारी से हम डालते जाएंगे। इस प्रकार से बेलेंगे, सारे गट्टे बनाएंगे और पानी में बॉयल होने डालेंगे। ये इस प्रकार सारे बन के गट्टे तैयार हैं। देखिए कैसे घूमे में जलेबी जैसे। इन सबको उबलते हुए पानी में एक एक करके मैं डाल दूंगी। एक एक करके डालिए, इकट्ठे नहीं। ये देखिए तो इसमें जो ये होल बना है बीचों बीच, ये अच्छी तरह ग्रेवी को पिएगा और अंदर तक बड़े रसीले निकलेंगे गट्टे और हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे। जबकि मैंने कोई तेल नहीं डाला, आपने देखा मैंने सिर्फ तेल दही डाला है, मोयन नहीं डाला इनको मारने के लिए। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, इनमें दोबारा उबाल आने लग जाएगा और ये जब अच्छी तरह उबल जाएंगे तो पानी के ऊपर आ जाएंगे और इनमें छोटे छोटे दाने भी दिखाई देने लगेंगे ऊपर से। हम इनको काट के देखेंगे, अगर अच्छी तरह से उबल चुके हैं तो अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। ये देखिए गट्टे बिल्कुल अच्छी तरह उबल के पक चुके हैं। जब पक गए हैं तो इनकी पहचान यही है कि ये बिल्कुल हल्के हो गए हैं, पानी में ऊपर आ गए हैं। इनको मैं यहाँ से निकालूंगी, गैस बंद कर देते हैं पहले और पानी से निकाल कर इनको यहाँ छलनी में रख लिया जाएगा। छलनी में रखकर थोड़ी देर इनको ठंडा करेंगे और फिर काट कर मसाले में इनको भूनेंगे। तो ये सब इस प्रकार से निकाल लीजिए, थोड़ी देर ठंडे होने दीजिए। अभी भी देखिए आप देख सकते हैं इनके अंदर जो होल हमने बनाया हुआ है वो वैसे का वैसा दिख रहा है, दिखा ना, सब तरफ है इसमें। इसको ज़रा ठंडा होने देते हैं और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए गट्टे कटे हुए तैयार हैं, इनके अंदर होल दिखाई दे रहा है, इससे ही ये ग्रेवी का रस, ग्रेवी को पियेंगे और अंदर तक बहुत जूसी रहने वाले हैं। इन सबको हम इसमें डालेंगे। गैस दोबारा से चालू करते हैं, गैस दोबारा चालू कर लेते हैं और अब इनको मसाले में भूना जाएगा थोड़ी सी देर। ये जो हमने मसाला बनाया है सब डाल के, इसकी रंगत देखिए मसाले की आप, जबकि तेल मैंने करीब 40 ml ही डाला है, यानी एक बड़ा चमचा भी नहीं है ये तेल। थोड़ा सा तेल डाला था और दही, लेकिन चूंकि टमाटर के साथ खूब भुना इसलिए ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आया है। अब इसको थोड़ी सी देर मसाले में भूनेंगे और क्या करने वाले हैं, पानी कौन सा डालेंगे, जो हमने बॉईल करके ये पानी यहाँ पर छोड़ा हुआ है यही पानी इसमें डाल दिया जाएगा। थोड़ी देर ये पकेंगे, इसके साथ में सारा रस आप पी लेंगे और आपके लिए खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम्म,
बिल्कुल बढ़िया मसाले में भुन गए हैं भाई, 3-4 मिनट ही भुनना काफी था क्योंकि ये बॉईल किए हुए हैं, ग्रेवी में मसाला सब भुना हुआ है अच्छी तरीके से। ये देखिए बहुत बढ़िया खदबदा रहा है ये। अब इसमें हम डालेंगे पानी जितना हमको ज़रूरी है ग्रेवी के लिए, इतना पानी काफ़ी है। अगर पतला गाढ़ा लगेगा तो फिर बचा हुआ पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। ये लीजिए, इसको चाहे मिस्सी रोटी से खाइए, चाहे सादी रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, इस स्पेशल राजस्थानी अलबेले गट्टो को खाकर घर वाले बिल्कुल खुश हो जाने वाले हैं और आपको खूब वाहवाही मिल रही है। तो इस प्रकार से ये अलबेले गट्टे बनेंगे। अब इसको थोड़ी देर में इसमें बॉईल करूंगी ढक के, और ढकने के बाद अच्छी तरह से तेल ऊपर आ जाएगा और खाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आप भी बनाइए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, जीवन में खुशियाँ बटोरते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फ्रॉम गार्डन टू किचन।